हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं विंटर स्पेशल सरसों का साग न्यू तरीके से बना रही हूँ। इसके लिए हम सरसों का साग लेंगे, आलू, फूल गोभी, बैंगन, हरी मिर्ची और लहसुन लेंगे। इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब हम चॉप के लिए जीरा, काला जीरा और सूखी लाल मिर्ची लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखें। जब तेल अच्छे से चटक जाए फिर इसमें हम गोभी को डालेंगे। यह सब्जी खाने में काफ़ी यम्मी है। अब इसमें हम लहसुन देंगे, लहसुन को अच्छे से कड़कने देंगे। फिर इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, इसे भी अच्छे से रेड रेड होने के लिए देंगे। और हमारे लहसुन भी जब तक रेड हो जाए, यह काफ़ी हेल्दी सब्जी है और काफ़ी जल्दी बन जाती है और खाने में भी काफ़ी यम्मी लगती है। अब इसमें हम गोभी को डालेंगे। गोभी डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी देंगे। अब इसे हम रेड रेड होने तक थोड़ी देर के लिए भूंजेंगे। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए भूंज लेंगे। और ये हर साग से अलग है ये, और खाने में भी काफ़ी यम्मी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे चॉपिंग किए हुए, और ढक के इसमें 10 मिनट के लिए पकने के लिए देंगे। ये हमारे गोभी और आलू रेडी है। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे कटिंग किए हुए, और बैंगन को भी हम थोड़ी देर के लिए भूंज लेंगे अच्छे से। जब तक ये भी हल्के से गल ना जाए तब तक इसे भूंजे अच्छे से। अब इसे भी हम ढक के 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकने के लिए देंगे। ये बैंगन हमारे पक गए हैं। अब इसमें हम सरसों का साग डालेंगे। सरसों का साग डाल के इसे भी हम अच्छे से भूंज लेंगे और ढक के इसे पकने के लिए देंगे। यह सब्जी हमारी रेडी है। ये काफ़ी यमी है। आप इसे चावल रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यह काफ़ी यमी है। एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के इस साग का मज़ा लें।